हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कीरोस कोचिंग। आज के वीडियो में हम करेंगे यूनिट 1.3 जिसका नाम है द लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक भी शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है द रिवीजन कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। आपको जो है इंग्लिश लिखते वक्त, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आप कुछ भी लिखते हैं, तो आपको जो है कुछ रूल्स को जो है फॉलो करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो जो है उसमें जो है गड़बड़ हो जाएगी। सही, द रूल्स ऑफ अन कैपिटलाइजेशन एंड अन, आपको जो है ये भी सीखना होगा कि हम कैपिटल लेटर जो है कब लगाते हैं, और पंक्चुएशन मार्क भी। हैव ऑलरेडी बीन टॉच टू यू इन अर्लियर क्लासेस, आप जो है शायद 9th क्लास में भी जो है इनको पढ़ा होगा। डू द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज इन योर नोटबुक, तो मैं आपको बताती चलूँ, जैसे मैंने बुक की जो है थोड़ी सी स्टडी की है, तो इसमें जो है मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे हमारे पास 1.1 है, 2.1 है, ये जो एक्सरसाइजेज है ना उससे रिलेटेड चैप्टर्स से वो आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स में। ये जो एक्सरसाइजेज है ना, जैसे लैंग्वेज प्रैक्टिस, ये आपके जो है MCQs में आ सकती हैं। सही है, कैपिटल लेटर जो है हमें कब लगाना होता है, ये आपकी जो है उसमें आ सकती हैं। लेकिन जो MCQs है ना हमारे पास, जैसे 1.1 में जो है हमने एक्सरसाइजेस की थी द वाइस कैलिफ, वो आपकी जो है MCQs में आ सकती हैं। तो आप जो है ना ज़रा ध्यान से स्टडी कीजिएगा। सही, एक्सरसाइज नंबर 1 है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर नोटबुक बाय करेक्टिंग द एरर्स ऑफ कैपिटलाइजेशन आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड। Compare your answers with your partner and make corrections where needed. आपको जो है ये आपको जो है फिर से लिखने होंगे। आपको जो है ये भी समझना होगा कि हम कैपिटल लेटर जो है कब लगाते हैं। मैं आपको जो है कुछ रूल्स बता देती हूँ, और ये जो है मैंने उसमें लिखे हैं, एक PDF बनाया है, उसमें मैंने जो है सारे जो है लिखे हैं, रीराइट किए हैं आपके लिए। सही, जैसे हमारे पास पहला आप लिखें द में, देखिए आपका ए वाले में द में देखिए जो टी है वो छोटा है, तो हमें जो है इसको कैपिटल करना होगा। कैपिटल लेटर का जो है हमारे पास रूल क्या है, पहला अल्फाज, पहला लेटर जो है आप लिखते हैं ना उसको कैपिटल लिखा करें। सही है, सेंटेंस के बीच में किसी का नाम लिखना हो वो कैपिटल में लिखा जाता है, या फिर किसी शहर का नाम हो वो भी आप जो है कैपिटल में लिखेंगे, या फिर किसी कंट्री का नाम हो वो भी आप जो है कैपिटल में लिखेंगे, और किसी मंथ का नाम हो, मंथ आप जो लिख रहे हैं जैसे जनवरी फरवरी, वो भी जो है आप भले ही बीच में हो, सेंटेंस के बीच में हो, लेकिन आपको जो है कैपिटल लेटर में लिखना होगा। या फिर आप किसी इवेंट के बारे में भी सोच रहे हो, जैसे क्रिसमस और ईद हो गई, तो आप जो है उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे। सही, ये जो है आपको चीज़ें माइंड में रखनी है। और जैसे हमारे पास वीक्स में जो है कितने डेज होते हैं, जैसे मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे फ्राइडे, ये जो है ना आपको भले ही बीच में हो लेकिन आपको जो है कैपिटल लेटर में लिखने होते हैं। ये जो है आप नोट्स को जो है दिमाग में नोट कर लें, क्योंकि आपको जो है काम आएंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाते हो फिर आप जो है लिखते हो, अगर आप जो है यही रूल्स को अप्लाई नहीं करोगे तो एग्जामिनर जो है ना आपका गलत कर देगा। सही, आपको जो है अगर आप पढ़ते हो सही तरह से तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करो। सही, ये हमारे पास एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज 2 है, हमें यही करना है, कॉमास वगैरह लगाने हैं, और इसमें कैपिटलाइजेशन जो है ऑलरेडी करेक्ट है। ये मैंने एक PDF बनाया जैसे मैंने आपको बताया, और एक्सरसाइज 3 भी जो है हमें इसको जो है रीराइट करना है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी से। और फिर हमारे पास पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ में जो है हमें यही जो मैंने आपको बताई थी मिस्टेक, जैसे कैपिटलाइजेशन और कॉमास वगैरह लगाना है, कोटेशन मार्क लगाना है, ये सारी की सारी। तो ये मैं जो है इसका PDF जो है यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है एक PDF बनाया हुआ है, जिसमें यूनिट 1.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 जो है मैंने सॉल्व करके लिखी है, और रीराइट किया है मैंने सेंटेंसेस को। आपको ये बताना है कि हमें जो है कब कब जो है कैपिटल लेटर जो है हमें लगाना होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया, बता देती हूँ फिर से, किसी का पहले तो है सेंटेंस में, पहला जो हमारा
जैसे द है, द का हमारे पास जो है टी ही जो है बड़ा होना चाहिए पहला लेटर सेंटेंस को शुरू करने से पहले। सही, अगर बीच में सेंटेंस के बीच में किसी का नाम आ जाए उस वक्त, यानी किसी जगह का नाम, प्रोविंस का नाम, या फिर कोई कंट्री हो, या फिर कोई शहर हो, और वीक्स के नाम, सॉरी वीक्स नहीं, वीक्स में जो डेज होते हैं उनके नाम, जैसे मंडे ट्यूसडे वेनसडे, सेंटेंस के बीच में आपको लिखना हो, लेकिन उनका कैपिटल लेटर जो है आप बड़ा लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सही है, फर्स्ट लेटर उनका। और किसी इवेंट, जैसे आप किसी इवेंट का नाम लिख रहे हैं, जैसे क्रिसमस हो गया, ईद हो गई, और ईद उल मिलाद उल नबी हो गई, ये जो है आपको जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने होंगे। सही, जैसे आप सी वाले में देखिए, अरेबियन सी, अरेबियन, ये मैंने जो है ए जो है इसका बड़ा लिखा है और सी भी जो है इसका बड़ा लिखा है, ये जो है हाँ आप जो है इसमें जो है दिमाग में जो है रख लेंगे ना ये रूल्स, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जैसे नेपाल, एफ़ वाले में देखिए, नेपाल, नेपाल, ये नेपाल का मैंने एन बड़ा लिखा है, हिमालयन का मैंने एन सॉरी एच जो है बड़ा लिखा है, ये जो है आपको चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होंगी। सही, आप ये देख सकते हैं मैंने इनको सही करके लिखा है, टोटल एच तक है। जैसे आप देख सकते हैं एच वाले में लंदन लिखा हुआ है लास्ट में, मैंने उसका जो है एल बड़ा लिखा है। सही, और एक्सरसाइज नंबर टू में जो है आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, लेकिन मैं आपको जो है अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये एक्सरसाइज नंबर टू है, मैंने इसको रीराइट किया है, ये बिल्कुल सही है। इस स्क्रीन पे वन से लेकर सिक्स तक शो हो रहे हैं अभी, नाउ इट्स फ्रॉम सेवन टू टेन। एक्सरसाइज नंबर थ्री की तरफ बढ़ती हूँ, ये भी आप जो है देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आप ही शो हो रहे हैं ए से लेकर ई तक, आप देख लें। एफ़ से लेकर एच तक ये आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए हैं, ताकि आपको जो है इंग्लिश थोड़ी जो आपकी है इम्प्रूव हो सके। सही, तो एक्सरसाइज नंबर फोर है, एक्सरसाइज नंबर फोर में जो है हमारे पास जो है एक पैराग्राफ है। सही, उसमें जो है हमें जो है सही करनी है, जैसे मिस्टेक, जैसे कैपिटल लेटर की मिस्टेक हो गई, और कोटेशन मार्क की मिस्टेक हो गई, कोमा की जो है मिस्टेक्स हो गई, ये आपको जो है सही करनी होती हैं, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कर दी है, आप देख सकते हैं। आप जो है अपना बुक को ले, पेंसिल को पकड़ी, और जो है बुक में ही लगाते जाइए, ऐसा नहीं कि आप जो है रजिस्टर खोलें फिर पेज पे लिखना शुरू कर दें, नहीं, आप बुक में भी लगा सकते हैं। आप ये देख लीजिए, ताकि जो है मैं एक्सरसाइज नंबर फाइव की तरफ पढ़ूँ। बस ये इतने ही थे, तो चलिए वापस बुक की तरफ चलते हैं। मैंने जो है आपको अभी अभी जो है एक्सरसाइज नंबर वन, एक्सरसाइज नंबर टू, थ्री एंड फोर दिखा दी, तो वापस बुक की तरफ आ गई हूँ। तो ये जो है पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो मिस्टेक्स थी वो मैंने करेक्ट कर ली, यहाँ पे कोई वन पॉइंट जी, ये मैं आपको बताती चलूँ कि प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस क्या होते हैं, ये आपको जो है आने चाहिए। से रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या होता है, द बेसिक पार्ट ऑफ वर्ड, एक वर्ड होता है, सही, ये जो है आप द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ द वर्ड इज रूट वर्ड, ये आपको याद रखना है। अब प्रीफिक्स की तरफ आते हैं, क्या है, इट इज़ ए प्लेस्ड बिफोर द रूट वर्ड, एडिंग इट टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड चेंजेस इट इनटू अनदर वर्ड एंड मीनिंग, यानी प्रीफिक्स जो है रूट जो है ना रूट वर्ड से पहले लगता है, ये आपको याद रखना है, प्रीफिक्स जो है ना रूट वर्ड से पहले लगता है, और सफिक्स जो है ना रूट वर्ड्स के बाद लगता है, ये आपको याद रखना है। अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा प्रीफिक्स जो है रूट वर्ड से पहले लगता है, और सफिक्स जो है रूट वर्ड के बाद लगता है, ये आप जो है ध्यान में रखिए इसकी बात। तो हमारे पास जो है एक्सरसाइज नंबर फाइव है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आप जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि सफिक्सेस क्या होते हैं और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं।
पहले मैंने आपको अभी अभी बताया, ये आपको जो है दोनों बातें याद रखनी है। प्रीफिक्स जो है रूट वर्ड के पहले लगता है और सफिक्स जो है रूट वर्ड के बाद लगता है, ये आपको चीज़ जो है ध्यान में रखनी है। तो चलिए इसके इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, और सॉरी एक्सरसाइज को करते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड फॉर्म वर्ड्स गिवन इन टेबल बाय एडिंग कॉमास सॉरी कॉमन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस रिस्पेक्टिवली। Examples have been done in both the tables. तो पहले यहाँ पे जो है एट सफिक्सेस, जैसे दिस, इम, अन, प्री, मिस, एप, नन, इन, अर, मिस, इल, या जो है मैं आपको बताती जा रही हूँ कैसे होगा। पे का क्या होगा, इसमें देखिए प्री लिखा हुआ है, पे का होगा प्री पे। ऑनेस्ट का क्या होगा, दिस ऑनेस्ट। देखिए ऑनेस्ट जो है एक वर्ड है, सी उससे पहले जो है हमने क्या लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया। मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स जो है सफिक्स के सॉरी रूट वर्ड से पहले लगता है, तो दिस जो है हमारा प्रीफिक्स है जो मैंने ऑनेस्ट के जो है पहले लगा दिया, तो हमारा वर्ड जो हो गया दिस ऑनेस्ट। ये आपको याद रखना है। पोलाइट का इम्पोलाइट, यूजुअल का अनयूजुअल, लीगल का इलीगल, रिलीवेंट का इरेलीवेंट, ऑर्डर का डिसऑर्डर, सर्टन का अनसर्टन, अंडरस्टैंड का मिसअंडरस्टैंड, सेल्फिश का अनसेल्फिश, अपेयर का डिसअपेयर, ऑफिशियल अनऑफिशियल, ओबे डिसओबे, नॉर्मल एबनॉर्मल, सक्सेस अनसक्सेसफुल सॉरी सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। और ये जो है लिटरेट का होगा इलिटरेट, प्लीसेंट का होगा अनप्लीसेंट। ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ लेकिन मैं आपको वॉइस में बताती जा रही हूँ। सही, फॉर्मल का इनफॉर्मल, लॉजिकल का इलॉजिकल, कॉन्शियस का अनकॉन्शियस, मॉरल का इमोरल, इमोर्टल मॉर्टल का इमोर्टल, बियरेबल का अनबियरेबल, एग्री का डिसएग्री, यूज मिसयूज, रेगुलर इरेगुलर, पॉसिबल इम्पॉसिबल, ईजी अनईजी, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, हैप्पी एंड अनहैप्पी। सही, एट सफिक्सेस। सफिक्सेस जो है हमारे पास रूट वर्ड के बाद में आता है। सही, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, आप जो है नोट कर लें। नोट, इन मोस्ट वर्ड्स एंडिंग इन ई द एंडिंग ई इज ड्रॉप बिफोर द एडिंग द सफिक्सेस एज शोन इन द वर्ड सर्वाइव इन द टेबल बिलो। ये यहाँ पे कह रहा है कि जो वर्ड्स जो हैं उनके आखिर में जो है ई होता है ना, उनको ड्रॉप करके जो है आप जो है उनके उनके बाद जो है सफिक्स लगाएंगे। बता देती हूँ मैं आपको, जैसे सर्वाइव से ये जो है ई जो है हटा दिया, तो उसके बाद जो हमारे पास क्या आ गया, सर्वाइवल। सही है, ये यहाँ पे देखिए एट सफिक्सेस। सफिक्सेस इश अल फुल इनेसमेंट एब एबल एंड हुड इव, ये आपको जो है लगाने। जैसे यहाँ पे जो है ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा है कि जो वर्ड हो उसके आखिर में जो है ई हो ना, अगर आपको सफिक्स लगाना है तो ई को ड्रॉप करके, ई को रिमूव करके फिर आप जो है सफिक्स लगाएंगे। ये जो है बात आपको जो है दिमाग में रखनी है। जैसे चाइल्ड चाइल्डिश, हेल्प हेल्पफुल, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ और सॉरी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन, काइंड काइंडनेस काइंडनेस, एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट, पावर पावरफुल, एक्सीडेंट एक्सीडेंशियल एक्सीडेंटल, सॉल्ट सॉल्टिश, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल, सर्वाइव सर्वाइवल, रिजेक्ट रिजेक्शन, पॉल्यूट पॉल्यूशन, अचीव अचीवमेंट, प्रोडक्ट प्रोडक्शन, एक्साइट एक्साइटमेंट, शेम शेमफुल, इंफॉर्म इंफॉर्मेशन, सजेस्ट सजेशन, इंजॉय इंजॉयमेंट, इक्विप इक्विपमेंट, एग्री एग्रीमेंट, कंफर्ट कंफर्टेबल, इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट, मदर मदरहुड, अट्रैक्ट अट्रैक्शन, अम्यूज अम्यूजमेंट, रिलेट रिलेटिव, सैड सैडनेस, चीयर चीयरफुल। एक्सरसाइज नंबर सिक्स पे आते हैं।
इसमें जो है क्वेश्चन नहीं पढ़ रही, बस ये आपको जो है सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको जो है इनको रूट वर्ड हैं आपके पास, उनके पास जो है सॉरी आपको जो है प्रीफिक्सेस सफिक्सेस लगा के जो है आपको इसकी मीनिंग ढूंढनी है। जैसे माय फादर वाज फीलिंग डैश ड्यू टू सीवर पेन, तो ईजी का क्या होगा, वाज फीलिंग अनईजी। नंबर टू है हिज सीट ऑन अ ट्रेन वाज वेरी कंफर्टेबल, मोहनजोदड़ो इज़ वेरी इरेगुलर एंड ऑफन मिस्टर मोइन इज़ वेरी इरेगुलर एंड इज़ ऑफन एब्सेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। नंबर फोर है हिज चाइल्डिश बिहेवियर बॉर्डर एवरीवन। नंबर फाइव देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन आवर कंट्री। नंबर सिक्स वी मस्ट शो काइंडनेस टू एवरीवन स्पेशली द ओल्ड एंड वीक। नंबर सेवन ऑल सर्वाइव्ड इन अ हॉरिबल एक्सीडेंट बट अनफॉर्चुनेटली द ड्राइवर वॉज किल्ड। नंबर एट रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट इन अ मिरर डिस्टर्ब मी व्हेन आई वाज ड्राइविंग। नंबर नाइन रिजेक्शन फ्रॉम द नेशनल हॉकी टीम वॉज अनबियरेबल फॉर मी। नंबर टेन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द टीम मेंबर वॉज अनऑफिशियल। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर सिक्स। एक्सरसाइज नंबर सेवन मैं आपको करवा देती हूँ अभी के अभी। वैसे हमारे पास रूट वर्ड जो है पे है, तो उसका हमारे पास जो है प्रीफिक्स भी बनाना है और सफिक्स भी बनाना है। तो इसका प्रीफिक्स जो है हमें पहले जो है बना के आ गए हैं, बना लिया था ऊपर, तो इसका बनेगा प्री पे। उसका सेंटेंस बनेगा आई हैव टू रीपे टू गेट माई फ़ोन टू गेट माई मोबाइल क्रेडिट। ये आपको जो है ऐसे ही बनाने, पहले हमारे पास सॉल्व हुआ हुआ है तो इसको नहीं पढ़ूंगी। सेकंड जो है हमारे पास हैप्पी है, हैप्पी हमारे पास रूट वर्ड है, तो उसके जो है हम उसको जो है प्रीफिक्स लगा देंगे तो हमारे पास होगा अनहैप्पी। तो आप जो है इसका सेंटेंस बना सकते हैं ही सेम्स अनहैप्पी टुडे। रूट वर्ड का भी जो है आपको जो है सेंटेंस बनाना है शी इज़ हैप्पी बिकॉज टुमारो इज़ हर बर्थडे। हैप्पी तो रूट वर्ड है, लेकिन हमारे पास जो है उसको उसके पास जो है सफिक्स जो है ऐड करना है। सफिक्स ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा हैप्पी का, हैप्पीनेस। आई फील एक्सट्रीम हैप्पीनेस व्हेन आई प्ले गेम्स। सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले गेम्स होगा, सही एल देना भूल गई, आप लगा लीजिएगा। नंबर थ्री एग्री का क्या होगा, डिस एग्री। आई रिस्पेक्ट द प्रेसिडेंट बट आई डिस एग्री विथ हिज डिसीजन। एग्री का क्या होगा सेंटेंस, ही रेडली एग्री टू डू व्हाट दे वांटेड हिम टू डू। सफिक्स सेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा एग्रीमेंट। द जज कीप नोडिंग इन एग्रीमेंट। नोडिंग का मतलब है यानी सर हिलाना, जैसे हम कहते हैं ना हाँ, हम सिर हिलाते हैं, तो इसी इसका मतलब यही है। नंबर फोर है ऑर्डर। ऑर्डर का क्या होगा डिसऑर्डर। व्हेन आई एंटर्ड द ऑफिस एवरीथिंग वाज इन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर यानी इसका मतलब है यानी चीज़ें जो हैं उधर उधर हो और किसी ऑर्डर में ना हो, फैली हुई हो। ये वर्ड जो है इसी मीनिंग में भी जो है हम यूज़ करते हैं ऑर्डर। ही ऑर्डर्ड देम टू सर्वे पॉपुलेशन ग्रोथ। सर्वे का मतलब है यानी एनालाइज करना, सही। ऑर्डरली आउटसाइड द थिएटर एन ऑर्डरली लाइन ऑफ पीपल वांटेड टू बाय टिकट्स। नंबर फाइव यूज़ का होगा मिस यूज़। लिविंग द सिंग फॉर्सेस ऑन एक्चुअल मेक्स पीपल मिस यूज वाटर एंड शुड बी ओवरचार्ज फॉर वेस्टिंग इट। नंबर फाइव यूज़ का क्या होगा, वी यूज़ अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। सफिक्स लगाएंगे तो यूजफुल, द इंटरनेट इज़ यूजफुल फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, वेरी ट्रू। रिस्पेक्ट का होगा डिसरिस्पेक्ट, वी शुडन डिसरिस्पेक्ट पीपल अराउंड अस। ऑन रिस्पेक्ट का होगा वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। सफिक्स लगाएंगे तो रिस्पेक्टेबल, शाइन इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल सिटीजन।
सही, ये हमारे पास थी एक्सरसाइज नंबर 7। सही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।